Finally, we are in Thar. और ये थर के मजे हमेशा की तरह ये व्लॉग भी एक डिफरेंट है और इधर भी हम मोटिवेट होने के लिए और एंजॉय करने के लिए एक जबरदस्त चीज देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार हम एक गांव में जा रहे हैं। एक दूर दराज इंडिया बॉर्डर के पास एक गांव है सहरा के अंदर, उसको देखेंगे और जानेंगे कि वहां लोग कैसे रहते हैं। अब हम थर की रियल ब्यूटी देखने आए, वो असल चीज़ें जो देख के हमें थर की ओरिजिनलिटी पता लगेगी कि लोग यहाँ कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। तो ये दिस इज द रियल था। हवा बहुत तेज चल रही है और मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आज बारिश हो सकती है। We hope that we see rain today. तो ये पूरा एक गांव है जहां आप लोग रहते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। और काम क्या करते हैं यहाँ लोग? सब मजदूरी करते हैं, ये तगारी बनाने वाले करते हैं। बस ये शहर जाते हैं, मजदूरी सुबह जाते हैं, शाम को लेके आते हैं, उसमें गुजारा करते हैं। अच्छा, आटा ले आते हैं, बस वही पे करते हैं बस। अच्छा, और यहाँ हुकूमत ने बिजली पानी सब दिया हुआ है? पानी पानी कहाँ है? पानी खुआ है, वो दूर दूर से जाते हैं। अच्छा, दूर से लेके आना होता है। सही 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 सही। और कड़वा पानी है, मीठा है ही नहीं। मीठा नहीं है। ये किचन है? हाँ हाँ, किचन है। ये यहाँ का किचन है जी। ये इसमें खाना बनाते हैं। हाँ, सुबह शाम से यहाँ पे लकड़ियाँ जलाते हैं ये। अच्छा, लकड़ियाँ। और यहाँ बारिश का पानी नहीं आता ये इतना? ये बारिश का पानी आता, थोड़ा कम आता है, ज्यादा नहीं आता। कम आता है। इसके ऊपर पानी दे देंगे, शॉपर। अच्छा, शॉपर डाल देते हैं। और यहाँ के लोग, थर के लोग ज्यादा मसाला खाते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ मसाले तो नजर आ रहे हैं। मसाले ज्यादा खाते हैं, मिर्च वगैरह, मिर्च ज्यादा खाते हैं। अच्छा अच्छा, ये धुआं निकालने के लिए वो सब रोशनदान वगैरह है। ठीक है, ये पानी है, तेल है? नहीं, इसमें लस्सी बोल रहे हैं। लस्सी, इसमें लस्सी बनेगी? अच्छा, दैट्स वेरी नाइस। और ये मसाला कूटने के लिए होगा? ये आटे के लिए होगा? रोटी पकाने के लिए? सही सही। इसमें यहाँ पानी है? सही सही। दरवाजे भी बड़े पुराने, पुराने लकड़ी के बने हुए पूरे। जबरदस्त जबरदस्त। बुलाएगा इनको, बोलेंगे खोल के। अच्छा, ये हाथ से बनाते हैं? अच्छा, ये यहाँ हाथ से बनाते हैं, जबरदस्त। और ये बड़े बर्तन वगैरह ये मार्केट से खरीदते हैं? अच्छा सही सही। अच्छा, यहाँ पंखा वगैरह लाइट है? लाइट है, अभी नहीं, अभी लाइट गई हुई है, लेकिन अंदर जो है वो अच्छी ठंडक हो तो रही है। ये कौन है? ये तो भाई है। अच्छा, ये अभी नहीं है? अभी नहीं, ये इधर का नहीं है। कहाँ का है? हैं? और के गांव का। अच्छा, सही। और ये रिवायती ड्रेस है यहाँ का? सही, बहुत हवादार है, अच्छा है। और क्या क्या करते हैं यहाँ पे? कोई मजदूरी करते हैं कुछ लोग, तो एक वो गाय है अंदर। तो गाय गाय वगैरह के लिए भी यहाँ पे अंदर रखा हुआ सब? हाँ, ये छोटा बच्चा धूप में वो बैठ नहीं सकता, इसलिए अंदर छोड़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा,
और ये वैसे किस चीज के लिए है जगह? ये कोई भी मेजबान आ गया उस अंदर बैठने के लिए कुछ। अच्छा, मेहमानों के लिए बनाया आप लोगों ने ये? सही। आए बाबा आप आए। अच्छा तो यहाँ पानी वानी का मसला है? बहुत बस मसला है, पानी का मसला है। हाँ, अच्छा पानी का मसला है और मजदूरी नहीं है, क्या करें। हाँ, उधर उधर बैठे हैं, उधर उधर जाते हैं, एक दिन मजदूरी लगती है एक दिन नहीं लगती है। हाँ, फिर आते हैं फिर वापस, क्या करें। हाँ सही बात है, इतनी इतनी मजबूरी है, मजबूरी नहीं है बहुत, कदे मजदूरी बस हो जाए कदे कौन जाए। हाँ पानी खारो गाँव में भरा दिया पानी, पान चखाऊं। चार पाँच किलोमीटर दूर है काला पानी तो कड़वा। अच्छा कड़वा पानी आ रहा है, बिल्कुल कड़वा। सही, तो ये आप देख रहे होंगे चीज़ें तो हैं यहाँ पे, बिजली है, लेकिन मसला जो आ रहा है इधर, मैं गांव वालों से जो बात कर रहा हूँ, पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है और कड़वा पानी है, पानी का मसला है इधर। ठीक है, और बच्चा वगैरह क्या करता है, क्या खेलता है सब लोग? स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते हैं? यहाँ स्कूल है? हाँ है। अच्छा एक किलोमीटर दूर है। एक किलोमीटर दूर स्कूल है, और बच्चियों का भी है सिर्फ लड़कों का है? बच्चियाँ बच्चे। अच्छा हाँ हाँ बोले। हाँ बच्चों का है। अच्छा, और त्यौहार वगैरह यहाँ मनाते हैं या फिर मिट्टी में जाके कहाँ करते हैं आप लोग त्यौहार? हाँ होली शोली दिवाली कहाँ मनाते हैं? इधर मनाते हैं। सही सही सही। और जबान कौन सी बोलते हैं आप लोग, सिंधी या थरी? धाट की। भागो भागो भागो। हाँ शायद इन बच्चों के पास वो खिलौने नहीं हैं जो अक्सर बच्चों के पास हुआ करते हैं, लेकिन तब भी ये इतनी ही खूबसूरती से एंजॉय कर रहे थे, मज़े उठा रहे थे, खिलखिला रहे थे। बारिश अभी आने वाला है, तैयारियां पूरी हैं, क्या होने वाला है उसमें, बारिश में क्या करेंगे? खेती बाड़ी तो करेंगे, लेकिन कुछ तफरी करेगा, नाच गाना होगा या कुछ होता है इस तरह या बस? इंसान में और खुशियाँ आता है जो बारिश आती है, खुशियाँ आ जाती है ऑटोमेटिक खुशियाँ लेके आता है बारिश। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। आप बता रहे हैं? आप बता रहे हैं जब जब आ प्या अंदर घट प्यार घट जी दो मिले खाऊ प्या प्यार प्यार बनता है, और दुआ है कि ये सब इसी तरह चलता रहे, हम मिलजुल कर रहे हैं, खुश रहें, और हमारा ये गांव भी तरक्की करे, मिट्टी तरक्की करे, सिंध तरक्की करे, पाकिस्तान तरक्की करे, सब तरक्की करे। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। ओके ओके दोस्तों, कभी सादगी को भी इंजॉय करके देखो, कभी किसी गांव में कुछ दिन गुजार कर देखो, तो पता लगे कि कितनी मज़े और पुरसुकून ज़िंदगी ये विलेजर्स गुजार रहे हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा। सिंध के और ख़ूबसूरत मिट्टी थर के सफ़र के अंदर हम बहुत सारी जगहें देख रहे हैं, मंदिर देखे हमने और शॉपिंग एरियाज और विलेजेस देखी, विलेज लाइफ देखी, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। आप इधर देखेंगे कि रोड ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये अगर आप देखें इस तरफ तो आपको पता लगेगा कितना बहुत ही डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पे झाड़ भी अलग है, और सहरा में उगने वाले जो सारे दरख्त हैं, झाड़ियाँ हैं, और इधर के लोकल्स ने मुझे बताया कि जब इधर बारिश होती है, जैसी बारिश होगी तो इधर मशरूम्स उगते हैं और वो इधर खाए जाते हैं, ये लोग सेव कर लेते हैं उसे और फिर साला साल खाते हैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आई वुड इनकरेज पीपल टू कम इन, आप देखें यहाँ आके, क्योंकि शहरों के अंदर ये चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी, ये समझ ही नहीं आएगा जो जो आप ट्रैवल करते हैं, आप प्लेसेस देखते हैं,
अभी मैंने एक बाइकर्स ग्रुप को भी देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कराची से बहुत सारे बाइकर्स जो हैं मिलकर इधर थर की तरफ निकले हुए हैं, वो नगर पार्कर जाएंगे, बॉर्डर एरिया देखेंगे और ये सब हैबिटेट्स और ये जो खूबसूरत जगहें हैं उसको एक्सप्लोर करने निकले हुए हैं। और ये सिर्फ बाइकर्स का नहीं है, हम सबका होना चाहिए, हम सबको इन चीज़ों को इन्जॉय करना चाहिए, देखना चाहिए और इस सीनरी से, इस खूबसूरत पाकिस्तान से फ़ायदा उठाना चाहिए। यही है असली पाकिस्तान, यही है असल मज़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इधर हम लोग बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, ट्रैवल व्लॉग्स देखते हैं और मज़े मज़े के खाने अगर हमें कहीं मिलते हैं तो वो भी एक्सप्लोर करते हैं।